दौसा में नेशनल हाईवे 21 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। नेशनल हाईवे 21 पर एक वैगनार कार और बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीन बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई और दो कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि हादसा दौसा के भड़ाना के पास हुआ। हमारी गाड़ी आ गई थी तो एकदम ये ऐसे बोला था, दूसरा मेरे पीछे बैठा था, कोई एक्सीडेंट हो गया। मैंने सोचा कौन हो गया, मैं उतर के भागा तो मैंने जाके देखा तो मेरे पिताजी ये तीनों एक्सीडेंट हो गए, स्कॉर्पियो वाले ने टक्कर दे दी। कैसे हुआ एक्सीडेंट कुछ पता है? पता नहीं सर, हम तो आगे की साइड थे, पीछे से ठकुरा दिया इसने गाड़ी वाले ने। सदर थाने के ड्यूटी ऑफिसर महादेव सिंह ने बताया कि नेशनल हाईवे 21 पर भड़ाना के समीप एक वैगनर कार और बाइक में भिड़ंत हो गई। एक्सीडेंट में बाइक सवार एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई। तीनों मृतक दौसा जिले के कोलवा थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। कार चालक आगरा के रहने वाले है जो जोधपुर जा रहे थे, इसी दौरान उनकी कार का बाइक से एक्सीडेंट हो गया। अंडाना के पास में NH21 पर एक वैगनार गाड़ी ने मोटरसाइकिल पर तीन व्यक्ति सवार थे, इनको टक्कर मारा है। तीनों व्यक्ति खत्म हो चुके हैं और जो वैगनार में थे उसमें एक व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा घायल है, एक थोड़ा कम घायल है और मौके पे हैं दोनों साधन, मोटरसाइकिल व वैगनार दोनों। कुल मिलाकर कितने घायल हुए हैं? घायल दो हुए हैं, तीन व्यक्तियों की डेथ हो चुकी है। कहाँ के थे घायल? घायल जो वैगनार का चालक, वो वैगनार में जो अन्य व्यक्ति बैठा था, ये आगरा के हैं, यूपी आगरा के हैं। दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से परिजन सदमे में हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस इस सारे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पंजाब के सीटीवी राजस्थान के लिए दौसा से HN पांडे की रिपोर्ट।